Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लॉकडाउन में अपने पद से इस्तीफा देकर घर जाने वाली हरियाणा कैडर की आईएएस रानी नागर की टीस गुरुवार को फिर से सोशल मीडिया पर बाहर आ गई। रानी नागर ने लोगों से अपील की है कि उसके पीछे इस्तीफे के लिए लोग आंदोलन न करें, क्योंकि उसके लिए अब नौकरी कर पाना संभव नहीं होगा। रानी ने यूटी भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसके खाने में पीन डालकर दी जाती थी। इस संबंध में शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रानी नागर ने लोगों को आग्रह करते हुए कहा कि आप मेरा इस्तीफा स्वीकार न किए जाने के लिए आग्रह व आंदोलन न करें। मुझे माननीय न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। मैं अपने केस में माननीय न्यायपालिका में जाती रहूंगी। मेरे पास अभी अपनी रोटी खाने के लिए भी बहुत सीमित साधन है। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि जितनी जल्दी मेरा इस्तीफा स्वीकार होगा, उतनी ही जल्दी मेरा तनख्वाह में से कटा हुआ एनपीएस फंड मुझे प्राप्त होगा, जिससे मैं अपना रोटी का खर्चा चला पाऊंगी। मेरे इस्तीफा स्वीकार न होने से मेरा और अधिक शोषण होगा। आगे सरकारी नौकरी कर पाना मेरे लिए संभव नहीं होगा। यूटी गेस्ट हाउस के कमरे में स्वयं खाना बनाने के लिए गैस व चूल्हा लगाया जाना मना था। मैं रुपये देकर यूटी गेस्ट हाउस से खाना खरीदती थी। मुझे उस खाने में लोहे के पिन डालकर खाना दिया जाता था। इस बारे में की गई लिखित शिकायत की प्रति संकलन है। लॉकडाउन में यूटी गेस्ट को जनता के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन मुझे और मेरी बहन रीमा नागर को यूटी गेस्ट हाउस में ही रखा गया था। खाना नहीं मिला। हम इस दौरान बड़ी मुश्किल से तरल पदार्थ से अपना गुजारा चलाया। यदि आप मेरा इस्तीफा रोकने बारे आग्रह आंदोलन ना करें तो आप सभी को हम पर बड़ी दया होगी। मायावती ने रानी नागर के पक्ष में ट्वीट करते हुए लिखा था कि हरियाणा की महिला आईएएस अफसर रानी नागर को नौकरी के दौरान अपनी जान को खतरा के कारण अंततः अपने नौकरी से इस्तीफा देकर वापस अपने घर यूपी लौट आना पड़ा है, जो अति दुखद व अति दुर्भाग्यपूर्ण है। महिला सुरक्षा व मान सम्मान के मामले में ऐसी सरकारी उदासीनता व अन्य की चुप्पी क्यों? रानी नागर ने वर्ष 2018 के दौरान एक आईएएस पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था। यह मामला सीएम ऑफिस भी पहुंचा था। नागर ने कैब ड्राइवर पर भी अभद्रता का आरोप लगाया था। सिरसा जिले के डबुवाली में एसडीएम पद पर रहते हुए उन्होंने अपनी जान को खतरा बताया था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।